गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मंगतूराम चौधरी, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा चार के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में अब तक जो हमने चार पाठ तक की जो वीडियो बनाई थी उनमें से कुछ प्रश्न रिवीजन के रूप में पुनः हल करवा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक सवालों को समझना है अच्छी तरीके से। जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको आज फिर से समझना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है संख्याओं को शब्दों में लिखिए, और शब्दों का मतलब होता है कि हमें संख्याओं को हिंदी में लिखना है, चाहे एक अंक की संख्या हो, दो अंक की हो, तीन अंक की हो, चार अंक की हो। अब तक जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संख्याओं के अंक भी बढ़ते जाएंगे। अब आप कक्षा चार में आपको लगभग चार अंक तक की संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि संख्या का पहला अंक इकाई होता है, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा और चौथा अंक हजार होता है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा ये बनता है, इकाई किसे कहते हैं? संख्या के दाई ओर का प्रथम जो अंक होता है वो इकाई कहलाता है। तो हमें इकाई, दहाई और सैकड़े व हजार को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है, यानी कि हिंदी में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। पहला जो सवाल है उसमें 99 दिया गया है, जिसमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो इकाई और दूसरा दहाई, यानी कि दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, 9 के हैं 99। तो हमें इसको शब्दों में लिखना है, जैसा हम उच्चारण कर रहे हैं वैसा लिखना है 99। तो हम यहाँ लिखेंगे नी आधा ने या ने वे 99, इस प्रकार लिखना है। दूसरा जो शब्द दिया हुआ है वो तीन अंक की संख्या है, इसमें पहला अंक इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि संख्या में सैकड़े का अंक दे रखा है और इसको हमें शब्दों में लिखना है, तो सैकड़े पर जो अंक दिया गया है उसके साथ हम 100 लगाते हैं, यानी सैकड़े के स्थान पर जो संख्या दी गई है उसके साथ हम 100 लगाना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़े के लिए 2 दिया गया है, तो हम इसको 200 बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? 200। और इकाई और दहाई दोनों को एक साथ बोलते हैं, ये 46 है, तो ये हो गया 246। तो हमें यहाँ लिखना है इसको 200, क्योंकि 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए हम इसके साथ 100 लगाते हैं। 246 छी या ली से, तो ये हो गया 246। अब हमें तीसरा दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी तीन अंक की संख्या है, सैकड़े के स्थान पर 5 है, तो हम इसको 500 क्या बनाएंगे भैया? 500। तो यहाँ पर हमने बना दिया 500 और पीछे दे रखा है इसके 75, तो हम यहाँ लिख देंगे पचहत्तर। इसको बोलेंगे तो ये बोलेगा 575, 575। चौथा नंबर पर दे रखा है हमें चार अंक की संख्या है, जब चार अंक की संख्या है तो यानी कि हजार तक की संख्याएं दी गई हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यदि चार अंक की संख्या है तो वो हजार पे जाके रुकेंगी, तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो जो अंक हजार के स्थान पर है उसके साथ हजार लगाएंगे, जो अंक सैकड़े के स्थान पर है उसके लिए 100 लगाएंगे, और जो दो अंक हैं इकाई और दहाई को उनको एक साथ बोल करके लिखेंगे। तो हजार के स्थान पर एक है तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे और इसके साथ हजार लगाएंगे।
हमने ये बन गया 1000। अब हम देखते हैं इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर क्या है, जीरो, तो जीरो का कोई मान नहीं होता। इकाई और दाई देखते हैं तो इसमें दाई के स्थान पर जीरो है और इकाई के स्थान पर पाँच है, तो इसको हम पाँच ही बोलेंगे। कितना बोलेंगे भैया? पाँच। तो ये हो गया 1005, यहाँ पर हम पाँच। इस प्रकार हमने इसको शब्दों में लिख दिया है। इस प्रकार आप सभी को भी कोई भी प्रश्न यदि उसमें लिखा हुआ है कि हमें संख्याओं को शब्दों में लिखो, तो हमें इस प्रकार हल करना है। अंक देखने हैं कि दो अंक की संख्या है, एक तीन की है, एक चार की है, एक पाँच की है। यदि दो अंक की संख्या है तो दोनों को एक साथ बोल के लिख देते हैं, यदि तीन अंक की संख्या है तो हम सैकड़े के लिए 100 लगाते हैं, और यदि चार अंक की संख्या है तो हज़ार के स्थान पर है तो हज़ार के स्थान वाले अंक के साथ 1000 लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, क्वेश्चन नंबर दो है संख्याओं को अंकों में लिखो। अब यहाँ पर आपको प्रश्न में संख्या शब्दों में दी जाएंगी यानी हिंदी में दी जाएंगी, और उनको अंकों में लिखना है यानी गिनतियों में लिखना है, अंकों में लिखना है इसको। तो हमें हिंदी में लिखा हुआ है 59। अब हमें देखना है कि 59 कितना होता है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 51 में 5 का 1 का आता है तो 59 में आता है 5 का 9 का होता है 59। 168, 100, तो हमने 100 के लिए तो 1 लिख दिया। अब बचा 68, 6 का 8 का 68, यानी ये हो गया 168। तीसरा नंबर है 787, तो 700 यानी सैकड़े के स्थान पर 7 लिखना है, तो हमने 7 लिख दिया। 787, तो इस 87 को लिखो 87, 8 का 7 का 87, 787। अब आता है चौथा नंबर 1505, 1000 के स्थान पर 1 है तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद 500, सैकड़े के स्थान पर 5 है तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद भी 5 लिखा हुआ है तो हमने 5 ले, हम देखें इसको क्या ये वास्तव में 1505 लिखा है। देखते हैं किनके इकाई दहाई सैकड़ा, ये जो एक है वो हज़ार के स्थान पर नहीं है, सैकड़े के स्थान पर है। हमें तो ये हज़ार के स्थान पर रखना है, इसलिए ये गलत है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे? हमारे पास हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, हम अपनी तरफ से इसमें जीरो लगाएंगे, और उस जीरो को उस उपयुक्त स्थान पर लगाना है जिससे ये 1505 बोला जाए। तो यदि इस जीरो को हम पीछे लगा देते हैं यहाँ, तो ये 50 बुलता है जबकि ये 5 बुलना चाहिए, इसलिए हम इस जीरो को इस 5 से पहले लगा करके देखते हैं यहाँ। अब हम देखते हैं बोल करके इसको क्या सही है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 1505, 1505 अब सही है। तो इस प्रकार हमें जीरो लगानी है और जीरो को उपयुक्त स्थान पर लगाना है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ लगानी है। ये नहीं अब हम जीरो को कहीं भी लगा दें, नहीं ऐसा नहीं करना है, उपयुक्त स्थान पर ही जीरो लगानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। इसी प्रश्न में पूर्ववर्ती भी दे रखा है और उत्तरवर्ती भी दे रखा है। अब हमें पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों इसी प्रश्न में बताना है। तो पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है से पहले, यानी पहले वाली संख्या बतानी है, और उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसके बाद वाली संख्या बतानी है। तो यदि पहले वाली संख्या बताएंगे हम तो इसमें से एक कम करके लिख देंगे, यानी कि -1 करके लिखेंगे, सॉरी -1, और यदि बाद वाली बताएंगे तो हम +1 करके लिखेंगे। तो 96 में से एक कम करेंगे तो 95,
और 96 में एक जोड़ देंगे तो 97। यहाँ पर मैं आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती की परिभाषा के बारे में बता रहा हूँ। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है और किसी संख्या के ठीक बाद में आने वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। अब देखिए, ये 434 है, 434 में एक कम कर दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है 433। और यदि इसमें एक जोड़ दें तो 435 संख्या प्राप्त होती है, जो कि उत्तरवर्ती है संख्या है। ऐसे ही 999 में ठीक पहले एक कम करेंगे तो 998, और 999 के ठीक बाद 1000, ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या हो गई। अब 1010 है, इससे ठीक पहले 1009 एक कम करेंगे तो, और ठीक बाद आएगा 1011। इस प्रकार आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या भरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखेंगे तो हमें पहले संख्या देखनी है, इनकी पहचान करनी है कि कौन सी संख्या कितनी कितनी है, कितने अंक की संख्या है। तो इस प्रश्न में सभी संख्याएं तीन तीन अंक की हैं, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इनका, यदि सभी संख्याएं समान अंक की हैं तो उनका हम तीसरा अंक देखकर पता लगा सकते हैं, यानी सैकड़े वाला अंक देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन इसमें सभी संख्याएं तीन अंक की हैं, तो देखिए प्रश्न कह रहा है हमारा कि बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लेनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटे से बड़े क्रम की तरफ चलना है हमें। छोटी संख्या लिख करके उससे बढ़ती हुई संख्या लिखती जानी है और अंत में हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर 784 है, 896 है, 438 है, 265 है, 197, 870। तो सबसे छोटी जो संख्या है तो हम इसका सैकड़े का अंक देखते हैं, इसमें 8, 1, 2, 4, 8, 7। तो सबसे जो छोटी संख्या है वो है 197, तो हम सबसे पहले 197 लिखेंगे, कॉमा लगाइए। इसके बाद हम देखते हैं एक से बड़ा दो होता है, तो दो वाली संख्या है क्या इसमें, 265, तो हमने 265। तीसरा नंबर हम देखते हैं तीन का आता है, तो तीन वाली संख्या है क्या इसमें, नहीं है। चार वाली देखते हैं, 438, तो हम यहाँ पर 438 लिखेंगे। अब देखते हैं हम पाँच, पाँच नहीं है इसमें किसी भी संख्या में। छः, छः भी नहीं है। सात देखते हैं, ये है 784। आठ वाला देखते हैं, आठ वाले दो हैं, एक 896, एक 870, तो 870 पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे और 896 सबसे बाद। इस प्रकार आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। ये तो हैं तीन अंक की संख्याएं। अब हम देखते हैं इधर चार अंक की संख्याएं, तो चार अंक की संख्याओं में हम चौथा अंक देखते हैं, सभी संख्याओं का चौथा अंक यानी हजारवा। तो हजार वाला अंक देखेंगे, इसमें सात है, इसमें एक है, इसमें छः है, इसमें सात है, इसमें आठ है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें पाँच है। तो एक वाली संख्या सबसे पहले आएगी, यानी 1568, तो हम यहाँ पर 1568 लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद दो वाली देखते हैं, 2487, दो के बाद तीन, तो 3690। ध्यान रहे, ये भी ध्यान रखना है कि जिनका हजार के स्थान पर तीन का अंक है वो दो संख्या हैं, तो उनमें भी हमें बड़ा छोटा देख करके लिखना है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यदि डबल संख्या है तो उसको भी ध्यान में रखें। अब हम चौथा चार देखते हैं, हजार के स्थान पर चार है क्या, चार नहीं है। पांच वाली देखते हैं, पांच वाला है,
5276, तो यहाँ पर लिखेंगे 5276। 6696। उसके बाद सात वाला देखते हैं, 7956 और एक 7907। 956 बाद में आता है और 907 पहले आएगा, तो 7907, 7956। इसके बाद आठ देखते हैं, 8794। अब हम देखते हैं कि ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ये सवाल हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। अब हम घटते क्रम में लिखेंगे, घटते क्रम का मतलब है कि बड़े से छोटे क्रम में, यहाँ पर बड़ी जो संख्याएं हैं उनको पहले लिखेंगे और घटते क्रम में उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, यानी सबसे छोटी संख्या अंत में लिखनी है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 204 507 309 432 847 550 362 72 85 99। यहाँ दो दो अंक की संख्या भी दी गई हैं, तो यानी कि ये तो बाद में आएंगी, छोटी हैं, तो पहले हम तीन तीन अंक की संख्याओं से पता लगाते हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जिसका भी तीसरा अंक सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ये दो है, इसमें इसमें पाँच है, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें आठ है, इसमें पाँच है, इसमें तीन, तो आठ वाली संख्या सबसे बड़ी है, तो पहला नंबर आएगा 847। इसके बाद सात, सात वाली कोई संख्या इसमें है नहीं, तो छः, छः वाली संख्या भी इसमें नहीं है, तो पाँच, एक तो पाँच में 550 है, एक 507 है, तो यानी कि पहले ये आएगा 550 कॉमा 507। फिर चार वाली देखते हैं, 432 है, तो 432। फिर तीन में देखते हैं, 309 है एक तो, और एक 362, तो पहले 362 आएगा, फिर 309। उसके बाद दो वाली देखते हैं, तो 204 है, उसके बाद 99 85 72। इस प्रकार आपको घटते हुए क्रम में लिखनी है संख्याएं। अब यहाँ पर आ जाइए चार अंक की संख्याओं में, सब में चार चार अंक हैं, तो चौथा अंक देखते हैं सभी का, इसमें 1 2 3 4 9 7 6, यानी कि ये सबसे बड़ी होगी 9660, तो सबसे पहले 9660 आएगा कॉमा, उसके बाद 7580 कॉमा, उसके बाद 6950 कॉमा, 4762 कॉमा, 3265 कॉमा, 2540 कॉमा, 1972। इस प्रकार हमको घटते हुए क्रम में लिखना है कि जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे एंड में आएगी। अब हम अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में बड़ा छोटा तथा बराबर का निशान लगाइए। तो यहाँ पर संख्या की पहचान करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जिधर की संख्या बड़ी हो उधर चिन्ह का खुला हुआ मुंह करना है। तो 789 और 798 में 798 बड़ा है, तो चिन्ह का मुंह इस प्रकार आएगा, यानी कि जो खुला हुआ मुंह है वो बड़ी संख्या की तरफ और जो बंद जो मुंह है वो छोटी संख्या की तरफ हो जाएगा। अब 798 और 987 इन दोनों की तुलना करें हम, तो इसमें कौन बड़ा है, ये 798 ये 987, तो ये बड़ा है, तो इसमें भी चिन्ह ऐसे आएगा। ये 977 है, ये 790 है, तो ये बड़ा है, तो इसमें चिन्ह इधर आएगा। 790 790 दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं, यदि दोनों तरफ एक जैसी संख्या हो तो उनके बीच में हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अगला है 5940 5904, ये 940 है, ये 904, तो ये छोटी है, तो ये बड़ी है, तो चिन्ह इस प्रकार आएगा। 1000 और 10000, तो 10000 बढ़ाए 1000 से, तो इसमें चिन्ह इस प्रकार आएगा। इस प्रकार आपके 6 सवाल हल हो गए हैं। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।